हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 010 का लेसन 9 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर में हम बात करेंगे एक प्रमुख नगरीय केंद्र का अध्ययन मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के अंदर में हम बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो की संरचना किस प्रकार की थी, बसावट किस प्रकार का था, दुर्ग और निचला शहर का निर्माण किस प्रकार से किया गया, और जो इनके शिल्प उत्पादन केंद्र थे उनका विकास किस प्रकार से हुआ। इस तरह के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स इस टॉपिक के अंदर में हम कवर करते हैं, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि मोहनजोदड़ो क्या है। नगरों का प्रतिनिधित्व करता है हड़प्पा संस्कृति का। आप अगर हड़प्पा सभ्यता को पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा जो नगर का स्वरूप आपको देखने के लिए मिलेगा मोहनजोदड़ो के अंदर में देखने के लिए मिलेगा, जहां पे स्नानागार हो या बाकी चीजें हो, आपको खुली तौर पर समझ पाते हो कि हाँ ये चीजों का बनावट इस प्रकार से और मोहनजोदड़ो के अंदर में ही देखने के लिए मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर में और भी स्थल है, चाहे लोथल हो, धोलावीरा हो, कालीबंगन हो, वहां पे इस तरह की चीजें इतनी साफ तौर पे नहीं देखने के लिए मिलती जितना आपको मोहनजोदड़ो के अंदर में समझ में आता है, आप देख पाते हो और उसको समझ पाते हो। यहाँ पे जो नगरों का प्रतिनिधित्व है वो मोहनजोदड़ो के पास में है, ऐसा माना जाता है। इसकी खोज अनेक पुरातात्विक वेदों के द्वारा किया गया, जिसके अंदर में REM हीलर, DR भंडारकर, RD बैनर्जी, DR साहनी और जॉन मार्शल और EJH मैके के द्वारा यहाँ पे किया गया। ये अलग अलग इतिहासकार थे, पुरातत्व वेदा थे, जिन्होंने इसकी खोज करी, पुरातात्विक तौर पर खुदाई करके इसके बारे में पता लगाया। और सबसे पहले अगर बात करो उत्खनन का जो सर्वप्रथम श्रेय जाता है वो जॉन मार्शल और मैगी को जाता है। अब जॉन मार्शल का ही नाम आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी, तो जॉन मार्शल के द्वारा यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन मार्शल और मैगी के रिपोर्ट्स के द्वारा ही यहाँ पे पता चला हड़प्पा सभ्यता ये है और इस तरीके से। और हड़प्पा संस्कृति की अगर आप देखोगे तो पूरा जो संस्कृति है सिंधु नदी के किनारे में फैली हुई है, और सबसे पहले जो संस्कृति खोजी गई वो हड़प्पा खोजी गई, जिसके कारण से इस पूरी संस्कृति का नाम हड़प्पा संस्कृति के नाम पर दिया गया। और जो मेजर सिटीज थे, जो मेजर साक्ष्य मिले हैं कि किस तरह नगर थे, किस तरह नगरों का विकास हुआ होगा, नगर कौन से किस तरीके से बना था, घरों का निर्माण किस प्रकार से किया गया, ठीक है, सार्वजनिक और घरेलू जो निर्माण थे वो किस प्रकार के थे, वो आपको मोहनजोदड़ो के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, समझते हैं इसको डिटेल में क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले मैं बात करूं मोहनजोदड़ो की संरचना के बारे में। मोहनजोदड़ो की अगर आप संरचना की बात करो तो नगरों का जो बनावट था या बसावट था वो दो भागों में बटा हुआ था। दो भागों में कैसे बटा हुआ था, तो जो छोटा शहर था और पर ऊंचाई पे बसा हुआ था उसका नाम दुर्ग था, और वहीं पे जो बड़ा और निचला शहर था उसका नाम था निचला शहर। ठीक है, जो बड़ा भाग था वो थोड़ा ऊंचाई नीचे के हिस्से में बना हुआ था, उसको हम निचला शहर के नाम से बोलते थे। वहीं पे जो अधिक बड़ा शहर था, ठीक है, छोटा थोड़ा बड़ा शहर था वो ऊंचा था, उसको दुर्ग के नाम से जाना जाता था। मार्शल के नेतृत्व में इसका उत्खनन अनेक भागों में किया गया। ठीक है, जो जॉन मार्शल थे उन्होंने इसकी खोज करी थी, उसके द्वार पे अलग अलग जगह पे इसका उत्खनन किया गया, जिसके बाद हमें इसके बारे में जानकारी मिल पाती है। यह नगर सिंधु नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। इस नदी के बाढ़ के कारण से कई बार इसकी हानि हुई थी। ठीक है, नगर विशाल चबूतरों पर बनाया गया था। नगर को बनाने के लिए एक तरह से लगा पता चलता है देखने पे, एक विशाल चबूतरा बनाया गया जिसके बेसिस पे ऊपर बनाया गया, और घरों का भी निर्माण किया जाता था, तो घरों को निर्माण करने से पहले चबूतरों का निर्माण किया जाता था। निचले शहर में घर एक दूसरे से सटे हुए बने हुए थे, दीवार की मोटाई दो घरों की सीमांकित करते थे। अब दीवार की जो मोटाई होती थी वो कैसे पता चल जाता कि ये दो अलग अलग घर है। तो देखो नॉर्मल एग्जांपल ये समझो कि जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरे घर की जो दीवार की लेंथ है, मतलब मोटाई देखोगे तो 5 इंच की ईंट से बनी हुई है नॉर्मल। ठीक है, 5 इंच 10 इंच यही बनता है दिल्ली के अंदर में। तो मान लो इस तरीके से घर का दीवार है 5 इंच का। ठीक है, तो एक घर का दीवार 5 इंच का है, मेरे बगल में भी घर बन गया, बगल में घर बना तो उनका भी 5 इंच का इस तरीके से होता चला गया। तो अब जो ये दीवार की लेंथ है ना, यहाँ पे देखोगे ये चौड़ाई जो है ना ये 10 इंच की ऑटोमेटिक हो गई। 5 इंच 5 इंच मतलब 10 इंच, तो कोई भी देखेगा तो उसको पता चल जाएगा अच्छा ये 10 इंच की है, मतलब ये दो अलग अलग घरों का यहाँ पे बाउंड्री है, एक तरह से दोनों अलग अलग घर को डिवाइड करती है, दो घर को डिवाइड कर रही है बाउंड्री के तौर पे, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आता है। तो इस तरीके से जो भी इतिहासकार थे, जो भी पुरातत्ववेदा थे, उनको समझ में आया कि ये जो घरों की दीवारों की मोटाई है वो दो अलग अलग घरों को सीमांकित करती है, बांटती है, ये उनको समझ में आता है। देखो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले और समझने से पहले ना आपको एक चैप्टर आपको जरूर पढ़ना है, जिसके अंदर हमने बात किया था कि स्रोत क्या है हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोत है। इससे पहले का चैप्टर नंबर 8, जहाँ पे हमने बात किया हड़प्पा सभ्यता के स्रोतों के बारे में कि कैसे हमें जानकारी मिलता है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सीमांकित करते थे, सटे हुए थे, गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी। अब क्या मैं देखने गया कि कैसी थी क्या थी, या जो चलो देखे भी तो क्या कैसे पता चला, उसने बताया कि इस तरीके से थी। अब यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ कि बैलगाड़ी चलती थी,
अब बैलगाड़ी चलती थी तो बैलगाड़ी कैसे मुझे पता चल रहा है कि बैलगाड़ी चलती थी, क्या पता घोड़ा गाड़ी चलाता हो या कुछ और चलाता हो, क्या पता कार हो उसके पास। सबसे मेन रीजन ना आपको यहाँ पे स्रोत के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, जानकारी क्या है स्रोत का वो आपको समझना है, और किस आधार पे ये चीजें बोली जा रही है वो आपको समझना है। अगर आपको ये चीजें क्लियर है ना कि इस आधार पे बोली जा रही है, तो फिर आप उसको इजिली पढ़ पाओगे, इजिली समझ पाओगे। अब चलो थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताता हूँ क्या आधार है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी के स्रोत के लिए नॉर्मली हमारे पास सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य है, ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य नहीं है। साहित्यिक साक्ष्य होता है क्या, जहाँ पे कोई रिटर्न में कोई चीजें पढ़ी हो लिखी हो, ठीक है, कि इस व्यक्ति ने ये उपन्यास लिखा, इस व्यक्ति ने ये इस तरह से लिखा, ग्रंथ लिखा है, कोई यात्रा वृत्तांत है, कुछ और है, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम चीजें बताते हैं, तो वो चीजें तो नहीं है हमारे पास। हमारे पास सिर्फ पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत के अंदर में जो खुदाई हुआ, खुदाई के अंदर में जो नगर मिले, उसके बेसिस पे हम बोलते हैं। अब जो जमीन था ना, जो आसपास नगरों के अंदर में, जैसे जो रोड दिखा कि हाँ भाई ये जो सार्वजनिक सड़क है ये मुख्य सड़क है, और मुख्य सड़क के अंदर में क्या हुआ, दिखा कि इधर दो पहियों के निशान है, तो इस पहियों के निशान है, तो पहियों के निशान पे ये मान के चले कि यार इतना तो आधुनिक हुए नहीं कि फरारी और वो चला रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या चल रहा होगा, तो भैया यहाँ पे बैलगाड़ी चल रहा होगा, क्योंकि जहां से पहिया चलता है ना तो वहां पे ऐसे निशान बन जाता है। गांव में अगर आप देखा होगा कभी तो बैलगाड़ी जहां से चलती है पूरा एकदम लाइन सी, लंबी सी रेलगाड़ी की तरह लाइन सी बनती चली जाती है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे देखी गई। निचले शहर में अनेक सड़कें और गलियां थी, सड़कें चौड़ी थी परंतु गलियां सकरी और टेढ़ी मेढ़ी थी। मुख्य सड़कों पर बैलगाड़ी और वाहन चलते थे। मोहनजोदड़ो की सड़क का जो पैटर्न था वो ग्रिड पद्धति पे, ग्रिड योजना पे आधारित था। मोहनजोदड़ो की सड़क का पद्धति किस प्रकार था, ग्रिड पद्धति पे था। अब ग्रिड पद्धति होती क्या है, ग्रिड पद्धति में हर एक गली दूसरे गली को 90 डिग्री पे काटती है, समकोण पर विभाजित करती है, समकोण पे डिवाइड करती है, ये चीज देखा जाता है। आपने मैथ की कॉपी अपनी देखी है, मैथ की कॉपी में इस तरीके से कुछ बना होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 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 बना होता है ना मैथ की कॉपी, और हर यहाँ पे जो बॉक्स होता है ना एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे शो करता है, 90 डिग्री के एंगल पे इस तरीके से शो करता है, ठीक है। तो ये चीजें थी, तो इसी आकार में ना यहाँ पे मोहनजोदड़ो की सड़कों का निर्माण किया गया, जिसको हम ग्रिड योजना कहते हैं या ग्रिड पद्धति कहते हैं। कई बार क्वेश्चन बन जाता है एक नंबर में कि ग्रिड पद्धति क्या है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो मोहनजोदड़ो का वो ये सड़क का निर्माण किस पैटर्न पे किया गया, तो ग्रिड पद्धति के आधार पर किया गया। नगर की प्रमुख सार्वजनिक सुविधाओं के अंदर में नाली प्रणाली उल्लेखनीय है। नाली का नाम आता है कि भैया नाली का प्रणाली उल्लेखनीय है। आज मैं दिल्ली में रहता हूँ जिस जगह पे, यहाँ पे जो नाली का व्यवस्था है ना, नाली का पानी निकासी का, जल निकासी का, वो ऐसा है कि आपको हाथ से ले जाकर ऐसे करना पड़ेगा तो भी पानी चला गया, तो आपकी किस्मत है कि आपके पानी चला गया। अब क्या हुआ, जैसे मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक से अलग लेके जाके बोलता हूँ, हमारी गली बनी, ठीक है, गली बनी, तो गली की नाली का हाइट उन्होंने बोला ऊंचा होगा, भैया बहुत अच्छी बात है, तो पानी निकलना है नाले में जाना है, क्योंकि इधर आगे पीछे जाके नाला बहता है, तो ऊंचा होगा तभी नाले में जाएगा, ये भी समझ में आता है, बहुत अच्छा लॉजिक लगा है, मतलब बहुत अच्छा इंजीनियर है। पर अब उन्होंने क्या किया कि इधर से भी गली आ रही है और ये गली मेरी है, अब यहाँ से ये भी गली ऊंची होगी तब ना ये वाला पानी इसमें आएगा और ये वाला पानी फिर इसमें आएगा, इधर मतलब इधर वाली गली ऊंची होनी चाहिए, इधर वाली हल्की सी ऊंची होनी मतलब नीचे होनी चाहिए, और इधर वाली धीरे धीरे करके नीचे ढलान होगा तब ये वाला पानी इधर जाएगा। पर इन्होंने क्या किया, इस वाली गली को नीचे बना दिया, इस वाली गली को बहुत ज्यादा ऊंचा कर दिया, अब इस वाली गली को ऊंचा कर दिया, अब पानी जाना था इधर, अब इस गली का और इस गली का पानी जा रहा है इधर, अब इस गली में क्या है, बाढ़ आ गया है, ठीक है, इधर से जाने का आने का कोई रास्ता नहीं है, घर वाले पत्थर रख रख के जा रहे होते हैं, हम भी उसी का सहारा लेके जाना पड़ता है, तो इस तरीके का कुछ है। पर यहाँ पे देखोगे ना मोहनजोदड़ो को अगर आप पढ़ोगे, जितने भी इतिहासकार है अगर आप उनकी कभी बायोग्राफी पढ़ोगे या चीजें पढ़ोगे ना, तो उन्होंने बहुत डिटेल में बता रखा है कि नाली का प्रणाली किस प्रकार की थी। आज के समय में भी बहुत सारी जगहों पर इस तरह की नाली की प्रणाली नहीं देखने के लिए मिलती है, बहुत सारी जगह क्या ऑलमोस्ट 99% प्लस जगहों पे यहाँ पे आपको नाली की प्रणाली इस तरह प्रकार की नहीं दिखेगी। नाली की प्रणाली इस तरीके से बनाई गई थी कि जो भी नहाने के बाद भी जो बाहर निकल रहा है ना, तो पानी सारा हो बाहर निकले, किस दिशा से निकलेगा, कैसे निकलेगा, किस तरीके से हौद में जाएगा, एक हौद भर गया तो दूसरा हौद में कैसे कनेक्ट होगा, इसके बारे में डिसाइड किया गया। नाली घरों के साथ साथ में नालियों का निर्माण किया जाता था, ठीक है, जिससे आगे जाकर मिले, नालियों को ढका जाता था, ठीक है, इस तरीके की चीजें की जाती थी, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बनाया गया। नालियां पक्की ईंटों की बनी होती थी और ढकी हुई होती थी। घर का जो अपशिष्ट होता था नालियों से होकर सार्वजनिक नालियों में जाता था, ठीक है, तो घर के लिए अलग नालियां होती थी और सार्वजनिक नालियां अलग होती थी, जिसमें सभी का पानी गंदा पानी जाता था। पेयजल के लिए घरों के अंदर में कुएं होते थे जो घर के मुख्य द्वार पर होते थे, ठीक है, जहां पानी पीने के लिए घर के अंदर में कुओं का निर्माण किया जाता था जो मुख्य द्वार पर स्थित होते थे। बाहर के लोग भी वहां से जल प्राप्त कर सकते थे,
बाहर के लोग, सार्वजनिक, एक तरह से सार्वजनिक कुएं का निर्माण किया जाता था। अब हम आगे बात करें तो सार्वजनिक स्थापत्य के बारे में हम बात करें कि क्या चीजें किस तरह से बनावट की गई, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो के भवनों में दो श्रेणियों में बटा हुआ था, ठीक है, दो श्रेणियों में, पहले तो हमने माना दो अलग अलग वर्ग में बटा हुआ था। वर्ग का हमने बताया कि एक ऊंचा ऊंचा शहर था और एक निचला शहर था, जिसमें दुर्ग और अपना निचला शहर आ गया, ठीक है। पर यहाँ पे भी ना उसके अंदर, चाहे दुर्ग की बात करो चाहे निचला शहर की बात करो, उसके अंदर में भी दो अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ था। श्रेणी क्या थे तो सार्वजनिक और घरेलू। घरेलू क्या थे, जिसके अंदर में एक पर्सनल, भाई मेरा घर है पर्सनल है, और सार्वजनिक मतलब क्या, सबका, पूरा समूह का, सबका, जो भी लोग रह रहे हैं ना सभी के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो दुर्ग टीला पर निर्मित अधिकांश जो स्थापत्य थे वो सार्वजनिक प्रकृति के थे, ठीक है। दुर्ग किला पे, जो दुर्ग वाला ऊंचाई वाले हिस्से पे जो निर्मित जितने भी चीजें थी वो सारे सार्वजनिक थे, सभी लोगों के लिए, ठीक है। निचले शहर के अंदर में कुछ बड़े बड़े भाग देखे गए, बड़े बड़े भवन भी देखे गए, ठीक है। दुर्ग के बड़े क्षेत्र में उत्खनन किया गया, उत्तरी समूह को SD और दक्षिणी समूह को LK क्षेत्र के नाम से जाना गया। देखो यहाँ पे तो मैंने ज्यादा शॉर्ट वर्ड का यूज नहीं किया है, यूज नहीं किया एक तरीके से, पर अगर आप अपनी बुक को पढ़ोगे तो आपको इस तरह से SD, LMN ऐसे करके बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। जैसे जो भी इतिहासकार होता था ना, अब वो किसी क्षेत्र को स्टडी कर रहा था, क्षेत्र का, जैसे मान लो ये इस भाग को स्टडी कर रहा है, इस भाग का उत्खनन किया, और वो इस कोने को यहाँ पे पढ़ रहा है, तो उसका कोना मान लो उत्तर पड़ेगा, तो यहाँ पे ना उत्तर के लिए उन्होंने यहाँ पे SD लगा दिया, ठीक है, उत्तरी समूह SD करके यहाँ पे ऐसा छोटा सा एक, मतलब ऐसा छोटा सा ना ऐसा करके स्टैंड जैसा लाता था, स्टैंड को लगा दिया जिस पे SD लिखा रहता था, इस तरीके से यहाँ पे टांग दिया, जिससे ये पता चल जाता था ये उत्तर का समूह है। इसी तरह से कोई एल का कर रहा है तो एल का, मतलब याद रहे, अगर कोई पॉइंट रहे ना कि हाँ किसने किस साइड में स्टडी किया, किसने किस साइड में उत्खनन किया, तो ये पता चले इन नंबर से कि हाँ ये इधर है ये इधर है। तो हर एक नंबर का ना अलग मतलब है, एल का मतलब यहाँ पे दक्षिणी समूह, SD का मतलब यहाँ पे उत्तरी समूह, तो इस तरह से अलग अलग वर्ड का मतलब अलग अलग है। तो आपके बुक में बहुत डिटेल से दे रखा है, अगर आपको भी टाइम मिलता है, अगर आप पढ़ते हो अच्छे से टाइम देते हो, तो वो आपको बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पे दे सकता है। उत्तरी समूह के टीले पर आकर्षक स्नानागार और जिसके समूह चारों ओर स्तंभ युक्त बरामदा है। स्नानागार होता क्या है, जहां पे एक तरह से स्विमिंग पूल कह सकते हो, और ये उत्तरी टीले के ऊपर में मिलता है, उत्तरी टीले के ऊपर में आपको स्नानागार देखने के लिए मिल जाता है, जिसके चारों ओर स्तंभ युक्त बने हुए थे, खंबे गड़े हुए थे, और बरामदा खंबे के ऊपर से मतलब उसके आसपास में पूरा बरामदा के टाइप का बना हुआ था। कुंड का जो आयतन अगर आप देखोगे तो 160 घन मीटर का आपको आयतन मिल जाता है, ठीक है, उसकी पूरी जो मतलब कितनी बड़ी थी, कितना था, 160 घन मीटर के अंदर में आता है। इसके दोनों तरफ कई कमरे बने हुए थे, संभवतः पुरोहितों के लिए कमरे बनाए गए होंगे। स्नानागार भवन के चारों ओर सड़कों और नालियों का निर्माण किया गया था। पानी निकासी के लिए विशाल नालियों का निर्माण किया गया था। स्नानागार के ऊपर में एक तल था, एक छत का भी निर्माण किया गया था। दुर्ग के भवनों के ऊपर में दक्षिणी समूह के एक विशाल स्तंभ युक्त हॉल था जिसकी छत पर स्तंभ टिकी हुई थी। एक तरह से हॉलों का निर्माण किया गया था दुर्ग के दक्षिणी समूह के अंदर में, विशाल स्तंभ युक्त के हॉल, जिसमें बड़े बड़े पिलर्स लगाकर यहाँ पे हॉल बनाया गया था, और इसके पिलर्स के ऊपर में एक छत टिकी हुई थी, छत का निर्माण किया गया था, ठीक है। निचले शहर के अंदर में कुछ विशाल भवन बने थे। मेके ने उत्तरी भवन का निर्माण, भवन को एक महल के तौर पे देखा। मेके ने उत्तरी भाग के अंदर में एक भवन को महल कहा, ठीक है, जो मेके है वो उत्तरी भाग के अंदर में जो एक इमारत था उसको महल के नाम से उन्होंने बोला। इस भवन में दो बड़े खुले आंगन थे और कोने में एक भट्टी बनी हुई थी, ठीक है। महल का अधिकांश जो स्थल था कार्यस्थल के तौर पे देखा गया। एक हिस्से में रहने के लिए कमरे, जिन्होंने भंडारण या सेवा कक्ष के क्वार्टर के तौर पे देखा गया। एक हिस्से में ना, जैसे मैंने आपको जो लास्ट लेसन पढ़ाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि रूम का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता था, किस तरीके से रूम्स को बनाए जाते थे, और रूम का पता कैसे चलता था, कौन सा प्रवेश द्वार है, क्या है, कैसे है, रूम के अंदर में से गेट वेट कैसे होते थे, कौन सा बाथरूम है, कौन सा भंडार स्टोर रूम है, ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट लेसन में डिटेल में समझाया था। तो सेम चीज यहाँ पे मेके कहते हैं। मेके ने जब उत्तरी भाग का स्टडी किया, उत्खनन किया, तो उत्तरी भाग में उन्हें एक भवन मिला जिसे उन्होंने महल के तौर पर देखा। इस भवन के अंदर में दो बड़े खुले आंगन थे, कोने में एक भट्टी बनी हुई थी जहां पे खाना वाना बनाने का कार्य किया जाता होगा, ठीक है। महल का जो अधिकांश स्थल था वो कार्यस्थल के तौर पे देखा जाता है। एक हिस्से में रहने के लिए कमरे, जिन्हें भंडारण या सेवा कक्ष के क्वार्टर के तौर पे देखा गया। एक हिस्से में जो कमरा बना हुआ था ना उसको भंडारण के तौर पे देखा गया कि वो वहां पे भंडार किया जाता होगा, स्टोर किया जाता होगा कुछ चीज को, अनाज को या जो भी चीजें होती होंगी,
या फिर वो सेवक हो, जो भी वहां पर रहने वाले लोग, काम करने वाले लोग है, जो सेवक है, उनके क्वार्टर के तौर पर, उनके रहने वाले रूम के तौर पर यहाँ पे देखा गया। ठीक है, क्वार्टर कहा जाता है रूम को। मोहनजोदड़ो के घर से घर निचले शहर की विविध योजना और मोहनजोदड़ो की नगर प्रकृति का पता चलता है। जब आप मोहनजोदड़ो के घर को देखते हो, निचले शहर में किस तरीके से घर बने हुए थे अलग अलग तरीके से, तो उनके विविध योजनाएं, जो घर बनाने के किस तरह से चीजें चलती थी, किस तरह से बनाया जाता था, तो उसके घर बनाने की प्रकृति किस प्रकार की थी, उसके बारे में आपको समझ में आता है। यह एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें कमरे, इसलिए मार्शल का नाम, इसलिए मार्शल ने घर का नाम दिया। अब जैसे देखो, नॉर्मली आप देखते हो ना, अलग अलग स्ट्रक्चर है घरों के बने हुए, तो अगर प्रॉपर कमरे के रूप में है तो उन्होंने ये माना कि ये घर होगा। अगर कोई बड़ा है अलग, जैसे देखो मेके ने जब स्टडी किया तो उन्होंने ये देखा कि ये भवन तो है पर ये कार्यस्थल के तौर पे, जो स्थानीय कार्यस्थल जहाँ पे काम किया जाता होगा, वर्क प्लेस होगा, कोई ऑफिस, ठीक है, इस तरह से होगा, डिपार्टमेंट ऑफिस जो भी है, इस तरीके से उन्होंने मान के चला। पर वहीं पे जब मार्शल ने किसी चीज का स्टडी किया तो वहां पे ये देखा कि प्रॉपर घर बना हुआ है जिसमें इस तरीके से निकलने का रास्ता है, ये भंडार गृह है, ये चीज इस तरह से है, तो मार्शल ने उसको प्रॉपर घर का नाम दिया कि ये घर होगा, यहाँ पे लोग रहा करते होंगे, इस तरीके से रहा होगा, इसका संयुक्त परिवार रहा होगा या ज्वाइंट फैमिली रही होगी या फिर सिंगल रहा होगा। घर का आकार के हिसाब से उन्होंने सदस्यों के बारे में पता लगाने की कोशिश करी कि कितने सदस्य रहे होंगे, इसके बारे में पता चलता है। यह दोहरी पंक्ति के समान आकार भवनों के परिचारकों के आवास थे। ठीक है, कुछ भवन में छोटे छोटे खंजड़े वाले स्नान के फर्श थे। ठीक है, मतलब ना अलग अलग तरीके से ना फर्श भी बनाए हुए थे साइड में, जहाँ पे नहा सके धो सके, उसके लिए बनाए गए थे। दक्षिणी छोर पर एक कुआं था जिसका साझा प्रयोग किया जाता था, ये माना गया। एक दूसरे घर में एक ही प्रवेश द्वार होता था, मतलब एक दूसरे घर में एक ही प्रवेश द्वार होता था, एक ही गेट से आप एंट्री कर सकते थे, ऐसा नहीं होता, चार पांच एंट्री गेट होते थे जिससे होकर अनेक कमरों में जाया जा सकता था। जैसे आप इस तरफ स्ट्रक्चर में, अपने घर का बताता हूँ, जो मेरे हमारे दादा दादी का घर है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ से एंट्री करने का गेट है, ठीक है, एंट्री करने का गेट है और इधर ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है, और इधर ऐसे करके इधर तक, ये सब रूम है, इधर ऐसे ऐसे करके रूम है, इधर 8-9 रूम है ऑलमोस्ट, ठीक है, इस तरीके से रूम है। यहाँ से एंट्री करोगे तो इधर बीच में तुलसी है और इस साइड में यहाँ पे कोने में यहाँ पे जो खाना बनाने का सामान, एक तरह से किचन तो पहले नहीं होता था, मतलब चूल्हा उला बना हुआ था, ठीक है, और ये पूरा जो बचता है ना एरिया, आंगन बड़ा सा, उसमें क्रिकेट खेल सकते हैं हम, और इस साइड में यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इस साइड में पूरा प्रॉपर, ठीक है, तो खेलने कूदने के साथ साथ में यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, अब लगा दिया गया, पहले तो नहीं होता था, घर के अंदर में पेड़ पौधे नहीं लगाए जाते थे, बाहर लगाए जाते थे, इस तरीके का उससे स्ट्रक्चर होता था। तो सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं मार्शल और मेके के द्वारा किया जाता है, कि किस तरह से घर में प्रवेश द्वार होता था, एक ही एंट्री गेट होता था, इस एंट्री गेट से अंदर घुसे तो आप सभी रूम में जा सकते हो, सभी रूम में जा सकते हो, मतलब इस रूम के गेट में, इसमें सब में जा सकते हो, ये चीजें होती थी। तो इस तरीके से यहाँ पे देख बताया गया। खुले आंगन में ईंट बिछी हुई होती थी और या एक ढकी हुई नाली होती थी, ठीक है, ईंट बिछी रहती थी, जिसे जैसे अब वहां पे आज के समय में क्या टाइल मार्बल आता है, तो पहले के समय में टाइल मार्बल जैसी चीजें तो होती नहीं थी, तो ईंट को बिछाया जाता, जिसका मेन रीजन क्या होता था कि जैसे बरसात के मौसम में स्लिप ना करे, या और भी रीजंस होते थे जिसके कारण से यहाँ पे ईंटों का ईंट बिछाया जाता था, और जो भी नालियां होती थी उसको ढक दी जाती थी। मेरे घर में भी इसी प्रकार से ढकी रहती थी। प्रवेश द्वार के आगे में एक छोटा सा खजड़ी वाला कमरा होता था, ठीक है, और जिसमें एक कुआं बना होता था और एक द्वार पे स्नानागार से जुड़ा होता था। आंगन के चारों ओर अनेक कमरे थे जिसका कार्य स्पष्ट नहीं था, ठीक है, किस कार्य के लिए बनाया गया था ये नहीं पता चलता है। आंगन के उत्तर में रसोई और एक अतिथि कक्ष था, ठीक है, उत्तर की साइड में आपको एक रसोई देखने के लिए मिल जाएगा, एक अतिथि कक्ष देखने के लिए मिल जाएगा। कमरे के छतों पर लकड़ी के सहतीर थे, जैसे आज के समय में जो घर बनता है तो घर के अंदर में गार्टर पट्टिया का यूज किया जाता है, कई बार जो पैसे वाले लोग नहीं, वो गार्टर पट्टिया का यूज करते हैं। जब मेरा दिल्ली का जो घर बना वो भी गार्टर पट्टिया पर ही बना स्टार्टिंग के टाइम पे, अब पैसे हैं कि धीरे धीरे करके हम उसको अपडेट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, पर अभी भी हम उसी घर में रह रहे हैं, तो वो जो गार्टर पट्टिया लगाया गया ना, एक तरह से इस तरह का सपोर्ट के लिए लगाया गया। तो जो गांव में अगर आप रहे हो, गांव में देखे हो, तो वहां पे लकड़ के ना, मोटे मोटे लकड़ के, ठीक है, अलग अलग तरह के लकड़ होते थे जिसमें कोई कीड़ा नहीं लग रहा, अच्छे तरीके से रह जाता था, मजबूत लकड़ होते थे, उसको हम सहतीर बोलते हैं, उन सहतीरों का उपयोग किया जाता, ठीक है, वो एक तरह से ऐसे सपोर्ट के लिए, जिसके ऊपर में एक तरह से पटिया यहाँ पे रखने जाते हैं, पटिया ये ईंट अलग अलग तरीके से उसको छत को ढाला जाता था, ठीक है, तो ये सहतीर कहलाती थी। मोहनजोदड़ो के निजी घर के संबंध में अन्ना सरियसिना कार्य किया, किस तरीके से क्या चीजें हैं उन्होंने यहाँ पे कार्य किया अन्ना सरियसिना के, उन्होंने मोहनजोदड़ो के 5 आवासीय मॉडल बनाए,
ठीक है, पांच आवासीय मॉडल बनाए। इन मॉडल के में आंगन, अवस्थिति कमरे और अन्य आंतरिक व्यवस्था के आधार पर विभेद किया। ठीक है, यहाँ पे ना अलग अलग तरह से उन्होंने मॉडल का डिजाइन किया कि किस तरीके से क्या है। तो यहाँ पे कमरे कौन से हैं, आंतरिक व्यवस्था कौन सा है, अंतर विभेद उसको बांटा अलग अलग तरीके से, उनके मतलब खासियत के हिसाब से उन्होंने बांटा कि अच्छा ये कमरा है तो इसके अंदर में ये चीजें हैं तो ये कमरा माना जाएगा, ये वाला ये रूम इस तरह का है तो इसके अंदर में ये चीजें तो इसको बाथरूम माना जाएगा। तो प्रॉपर इस तरीके से उसको बांटा गया। उनके अनुसार देखोगे तो आंगन प्राय सड़क या गली से सीधे नहीं जुड़ते थे, वो एक तरीके से प्रॉपर अंदर बंद होते थे, और कोई भी बंदा अगर मेन गेट पे खड़ा भी है ना तो वो बाकी रूम के अंदर में क्या हो रहा है उस रूम के बारे में उसको पता नहीं चलता था, ये चीजें होती थी। और घर से बाहर से खड़ा होकर वो पूरे आंगन में नहीं देख सकता था, ये चीजें यहाँ पे आपको समझ में आएगी। ठीक है, प्रवेश एक कमरे से होकर गुजरता था। ठीक है, उनका यह भी कहना था कि छोटे प्राय घरों के अंदर में छोटे परिवार रहते थे और बड़े घरों के अंदर में बड़े परिवार रहते थे, ये माना जाता है। ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी व्यूवर्स से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द इन पर आपको एमएससी से रिलेटेड वीडियोज बहुत सारी मिल जाएंगी और नव इन्फो पे आपको इग्नू से रिलेटेड जितना भी अपडेट है टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके एक एक सब्सक्राइब से, एक एक लाइक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से मेहनत कर सके और आपके लिए अच्छे से वीडियो बना सके। तो जो भी स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं जिनको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगती है कि हाँ कहीं ना कहीं हेल्पफुल होने वाली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी लास्ट 5 ईयर की वीडियोस हैं उसको जरूर देखें, उस वीडियो से आपका 90% सिलेबस ऐसे ही कवर हो जाएगा। ये लेसन्स का चैप्टर उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होने वाला आपके लिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नंबर 90% स्कोर करना चाहते हैं लेसन प्लस 5 ईयर वीडियोस। अगर आप लास्ट टाइम पे चाहते हो कि सिलेबस आपका प्रॉपर क्लियर हो तो लास्ट 5 ईयर की वीडियोस देखें, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। और जो भी स्टूडेंट्स अगर इस PDF जो आपकी वीडियो चल रही है इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो डायरेक्टली आप गूगल ब्लॉगर या फिर क्वेरा से जाके ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एमए हिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स की भी आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। चलिए आगे समझते हैं। मोहनजोदड़ो के अगर शिल्प कार्य को देखोगे तो नगरीय विशेषताओं में एक मुख्य विशेषता मोहनजोदड़ो का शिल्प उत्पादन केंद्र के तौर पर देखा गया। शिल्प उत्पादन के लिए पुरातात्विक साक्ष्य, अर्धनिर्मित वस्तुएं और कच्ची सामग्री अवशेष और औजारों का अवशिष्ट है। इन वस्तुओं के प्राप्ति के स्थान लगभग शिल्प उत्पादन अवस्थिति की जानकारी हो जाती है कि कहाँ से कैसे प्राप्त हुआ। उत्खनन स्थलों से इसका ज्ञान हमें पता चलता है कि जहाँ पे खुदाई की गई उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि अच्छा इस जगह पे इसकी उत्खनन हुआ होगा, इस तरह से ये मिला होगा, ये चीजें हमें पता चलता है। इटली के कौन से दल ने सर्वेक्षण दल ने भूतल के सर्वेक्षण के अनुसार उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है कि मोहनजोदड़ो का पूर्वी और दक्षिणी जो हिस्सा था वो शिल्प क्षेत्र के तौर पर देखा गया, जहाँ पे शिल्प के सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले। तो पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा शिल्प उत्पादन केंद्रों के तौर पर माना गया। ठीक है, शिल्पकारों के द्वारा ये घोषित किया गया कि ये जो हिस्सा है ना शिल्पकारों का क्षेत्र है, ये घोषित किया गया। मोहनजोदड़ो का शिल्प जो है सूचक, जो शिल्प सूचकों को देखोगे तो पत्थर के मनकों पर काम किया। ठीक है, पत्थर के फलक का जो काम है, बाट का उत्पादन, मोहरों की कटिंग, मृत भांडो, ये इन सब चीजों पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेलकड़ी धातु कर्मों के साथ में अनेक साक्ष्य मिलते हैं कि किस तरीके से शिल्प उत्पादन किया जाता था। लगभग सभी खुदाई वाले क्षेत्रों के अंदर में शिल्प सूचक फैले हुए होते थे। शिल्प कार्य अत्यधिक निचले मतलब शहरों के अंदर में सीमित थे। कभी कभी ये संरचनाएं विभिन्न शिल्पों का कार्य करती थी, अलग अलग तरीके से यहाँ पे शिल्प कार्य किया जाता था। मोहनजोदड़ो के शिल्प प्रक्रिया का अगर देखोगे तो स्थानीयकरण के साक्ष्य मिलते हैं कि किस तरीके से शिल्प उत्पादन अलग अलग लोकल इस जगहों पर भी किया जाता था। आज आपके घर में जैसे जो भी आप सेलफोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो उसको अगर ये देखेगा ना तो कोई ये नहीं पता चलेगा कि इसी जगह पे लैपटॉप को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था, क्योंकि वो दूसरी जगह से आ रहा है। पर जो मोहनजोदड़ो के अंदर में जब शिल्प उत्पादन केंद्रों का पता चला तो ये समझ में आया कि ये मोहनजोदड़ो के अंदर में अवेलेबल थे, यहीं से यहाँ पर डिलीवर हुआ, यहीं पर मिला। तो यहाँ पे जो उत्तरी और मतलब पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा था वो शिल्प उत्पादन केंद्रों के तौर पर जाना गया। और ये किसने तय किया, तो जो इटली के सर्वेक्षण दल था उन्होंने ये इसके बारे में जानकारी हमें दी। ठीक है, समझ में आता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो इस चैप्टर का एंड करूंगा, वीडियो यहाँ पे हमारे चैप्टर खत्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारा चैनल वैल्यूबल लगता है, अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। हमारा गोल है कि हम जल्दी जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचे। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हम उस नंबर को टच कर पाए, उस नंबर को छू पाए और हमारा जो दैनिक का परिवार है 1 लाख परिवार बन सके। अभी हम 60,000 के ऊपर में ही है, तो फटाफट यार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।